सब्सक्राइब कीजिए विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर सी एक झालर बनाकर दिखाने वाला हूं। इसको आप दिवाली डेकोरेशन या फिर किसी भी फेस्टिवल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अच्छी बात यह है, ये आप बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं। इस वीडियो में जितना भी सामान मैं इस्तेमाल करूँगा उस सभी की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से गाइड करूँगा कि हमें इसको किस तरह से बनाना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस तरीके की एलईडी लाइट्स लेने वाले हैं। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर बहुत ही आराम से मिल जाएगी। इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, 2-3 रुपये होता है। अगर आपको ये ना मिले तो इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों, हमें सेकंड चीज़ चाहिए होगी वायर। दोस्तों, वायर हमें उतना ही कट करना है जितनी दूरी पर हमें एलईडी लाइट्स को लगाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ वायर्स को कट किया है क्योंकि मैं आपको छोटी सी झालर बनाकर दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसे बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। ये पाइप दोस्तों हमें वहाँ पर मिलेगा जहाँ बच्चों का सामान मिलता है। तो ये आपको 1 रुपये का मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा। इससे आपकी बहुत लंबी झालर बन जाएगी। अब दोस्तों, हमें इस एलईडी लाइट में कनेक्ट करना होगा वायर। तो यहाँ पर हमें सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए इस एलईडी लाइट में प्लस और माइनस के 2 पॉइंट होते हैं। तो हम प्लस वाले में रेड वायर को कनेक्ट करेंगे और माइनस वाले में वाइट वाले को। तो आपको ये पता होना चाहिए प्लस और माइनस का वायर कौन सा है। तो एलईडी लाइट्स में जो भी लंबा आपको पॉइंट दिखाई दे, जो भी लंबी आपको पिन दिखाई दे, आप समझ जाइए वो प्लस वाला है। इसके बाद दोस्तों, हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से हमें सभी एलईडी लाइट्स में वायर को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर देना होगा। तो दोस्तों, हमने सभी एलईडी लाइट को वायर से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, हमें इसे झालर की तरह बनाना होगा। तो झालर की तरह बनाने के लिए हमें दोबारा से इन सभी वायर्स को एलईडी से कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने का सीधा सा फंडा है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको 2-3 एलईडी लाइट को जोड़कर दिखाता हूँ और इसके बाद आप समझ जाएंगे किस तरह से आपको इसकी सीरीज बनानी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों, जो प्लस का वायर आपको दिखाई दे रहा है दूसरी एलईडी का, वो आपको इस एलईडी पर भी प्लस पर ही जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कुछ सीरीज बनानी होगी क्योंकि दोस्तों, मैं इसमें डीसी वोल्ट करंट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 3 वोल्ट का करंट, 3.5 वोल्ट का करंट मैं यहाँ पर दूंगा और हमारी जो जितनी भी झालर की लाइटें हैं वो सब जल जाएंगी। तो चलिए, मैं फटाफट से सभी झालर की लाइटों को जोड़ के आपको दिखा देता हूँ। अब हमारी सभी एलईडी लाइट एक दूसरे वायर से कनेक्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारी झालर बनकर रेडी है। अब यहाँ पर हमें इसमें करंट देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसको बोर्ड में नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें एसी वाला करंट नहीं देना है। यहाँ पर दोस्तों, मैं 3.7 वोल्ट का डीसी करंट दे रहा हूँ और इसके बाद हम देखेंगे हमारी झालर किस तरह से जलेगी। अब हमारे पास जो पाइप बचा हुआ था उसके छोटे छोटे पीस कट करने होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट काम है, इसके बाद हमारी झालर बनकर रेडी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पाइप को कट करना होगा और यहाँ पर लगा लेना होगा। यहाँ पर ये थोड़ा ढीला टाइप का होगा तो इसके लिए हम हल्का हल्का ग्लू यहाँ पर लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारी झालर बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसको जलाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यकीन मानिए, ये बहुत ही अच्छी आपके घर में जलती हुई दिखाई देगी और ये बहुत ही सस्ते में हमने इसको बनाया है। तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत ये नाइट में दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आराम से घर बैठे झालर बना सकते हैं किसी भी फेस्टिवल, दिवाली या फिर होली या फिर किसी भी फेस्टिवल के लिए। आप अपने घर को सजाने के लिए इस तरीके की झालर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दिवाली डेकोरेशन आइडिया का ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस की जानकारी हमसे रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर दोस्तों आपको किसी भी तरीके की वीडियो जाननी हो, कुछ भी बनवाना हो, तो नीचे कमेंट करें, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।